दोस्तों आज 15 जून की बिहार बुलेटिन में स्वागत है। आज हो चुका है 15 जून, तो आज हम आपके लिए पूरे बिहार की दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से आज की पूरे दिन भर की टॉप खबरों की बिहार की। कुवैत में एक बड़ी इमारत में आग लगने से बिहार के दो लोगों की जान गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर के गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। जब उन्होंने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि परिजनों को दुख की इस घड़ी में ईश्वर धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने दोनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। दोस्तों बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर के महज एक दिन में 7 लोगों की जान चली गई इस हीट वेव की वजह से। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी जारी है। उष्ण लहर और गर्मी से कल 6 लोगों में से 7 लोगों की जान चली गई है। यह भोजपुर में 2, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, सारण और सिवान में 1-1 लोगों की जान गई है। आपको बता दूं कि बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी की वजह से लोग हलकान में हैं। जी हाँ, लोग अपने घर से बाहर जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। अगर बाहर होते भी हैं किसी कारणवश तो काफी सावधानी बरती जाती है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो लापरवाही बरतते हैं और उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जहां इस बीच खबर सामने आई है कि बिहार में 7 लोगों की जान चली गई है भीषण लहर की वजह से, भीषण लू की वजह से। आपको बता दूं कि इस भीषण लू की वजह से हीट स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और लू लग जाती है, जिसकी वजह से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। कल ये मामला सामने आया है बिहार में, क्योंकि बिहार में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इन दिनों पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, यहाँ के लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी में ग्रामीणों को बिजली और पानी की सख्त जरूरत होती है। इसी बीच बिहार के कई जिले में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार के गया जिले में भी जलस्तर नीचे जा चुका है, जिसके कारण कई जगहों पर पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मामला बिहार के गया जिला के मानपुर प्रखंड की अमरपुर गाँव का है। गाँव के महादलित बस्ती में 100 से अधिक घर है, जहाँ 1-2 चापाकल मौजूद है, जिसका जलस्तर नीचे जा चुका है। ग्रामीणों का जीवन सिर्फ 2 कुओं पर निर्भर है। यहाँ के लोगों के लिए यही 2 कुआं लाइफलाइन है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्तर से किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में जिला प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर टैंकर से पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इस गांव में अभी तक टैंकर का पानी भी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में इस महादलित बस्ती के 100 से अधिक घर वाले इस गांव में अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ 3 फीट की चौड़ाई का 2 कुआं से पानी पीते हैं और अपना घर चला रहे हैं। इस कुआं के पास हमेशा दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। इन दिनों पानी का लेयर नीचे जाने से कुआं का पानी भी काफी नीचे चला गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीणों की हालात क्या होती होगी। दोस्तों आरएसएस और बीजेपी में खटपट शुरू हो गई है। यह कहते हैं कि एक जमाने में आरएसएस और बीजेपी एक हुआ करते थे, यानी कि आरएसएस से ही बीजेपी निकला था और बीजेपी आरएसएस ही चला रहे थे। आरएसएस के द्वारा ही बीजेपी को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों कट्टर होते जा रहे हैं, दोनों कट्टर दुश्मन होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल फिलहाल ही आरएसएस नेता इंद्रदेश कुमार के बीजेपी और फिर इंडिया ब्लॉक पर तंज कसे जाने के बाद सियासत गर्म हो गई है। बिहार सरकार में मंत्री और बिहार बीजेपी नेता नितिन नवीन का बयान सामने आया है। जब बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी राम के नाम पर राजनीति से नहीं जुड़ा है, देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए राम जी को स्थापित किए जाने का काम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि आरएसएस को ये सब बयान नहीं देना चाहिए। इंद्रदेश कुमार आरएसएस के बड़े नेता है, उनके ऊपर कई सारे आरोप लग चुके थे। जब बीजेपी की सरकार आई तो फिर उनको मुक्ति मिली। इन लोगों को ये सब बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी का अगर बुरा हाल हुआ तो फिर इन पर बीजेपी मंथन करेगी, आरएसएस को नहीं पढ़ना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसा है। तिवारी ने कहा है कि इंद्रदेश कुमार इतने बड़े आरएसएस के नेता हैं। मोहन भागवत ने भी अहंकार और फिर मणिपुर की बात की थी। जब बीजेपी के 2 बड़े नेता अहंकारी हो गए हैं, आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। 10 साल से इन लोगों को नियंत्रित क्यों नहीं किया, या चुनाव से पहले क्यों नहीं बोले कि बीजेपी वाले अहंकारी हैं। इंद्रदेश कुमार ने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रदेश कुमार ने कहा है कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, या उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया गया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वह भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। या जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, या इनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, या
सब मिलकर भी नंबर वन नहीं बन पाए, नंबर दो पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इंद्रदेश कुमार के इसी बयान को लेकर के अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और बीजेपी खास करके बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को RWD और PWD के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया, जहां सांसद के औचक निरीक्षण से दफ्तर के कर्मचारियों और फिर अधिकारियों के बीच हरकत मच गया। जहां सरकारी दफ्तर में फैली अव्यवस्था देख करके सांसद ने नाराजगी जाहिर की जताई, जल्द से जल्द ऑफिस के सिस्टम को सुधारने का निर्देश दिया। जहां वे सबसे पहले खीरू चौक बाड़ी हाट रोड स्थित ग्रामीण कार्य विभाग RWD कार्यालय पहुंचे, जहां औचक निरीक्षण के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता दफ्तर से नदारद पाए गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में जारी और पूरे हो चुके कार्यों का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर बिहार के भागलपुर से सामने आई है। आपको बता दूं कि भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में तैनात दारोगा को उनकी शिक्षक पत्नी ने दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी ने जमकर के हंगामा किया। जब दारोगा भागलपुर में किराए के मकान में रहते हैं, जब पत्नी अररिया की रहने वाली है, भागलपुर में जब वे अपने पति के से मिलने के लिए आई तो फिर उन्हें अवैध संपर्क के बारे में पता चला, जिसके बाद दारोगा की पत्नी ने अपना आपा खो दिया। जब किराए के मकान के बाहर ही हंगामा करने लगी, जब मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से थाना लाया। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के केबी लाल रोड का है। जब बताया जा रहा है कि 3-4 साल से दारोगा का किसी महिला से अवैध संबंध चल रहा है, गलत काम चल रहा है। जब महिला के हंगामे को देख करके मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई, महिला चीख चीख करके सभी को बता रही थी कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, वे दूसरी महिला के साथ यहां रहते हैं। जब पुलिस से गुहार लगाते हुए शिक्षिका ने कहा कि महिला को उसके परिजन को सौंप करके मेरा घर गुजरने से बचाएं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। जब अपने जनसुराज अभियान के तहत एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि देश ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मीडिया के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ में बिहार सरकार की कमान है, नीतीश कुमार अगर न चाहे तो फिर देश में सरकार नहीं बनेगी, इतनी ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इसके अवज में क्या मांगा, जब बिहार के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, बिहार के जिलों में चीनी की फैक्ट्रियां चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ये नहीं मांगा। बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि तो फिर उन्होंने क्या मांगा। नीतीश कुमार ने मांग रखी है कि 2025 के बाद भी वे मुख्यमंत्री बने रहे और उसके लिए भाजपा भी समर्थन कर दे। जब बिहार के सभी लोगों की इज्जत उन्होंने बचा दी। जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर अपना प्रहार जारी रखते हुए कहा कि 13 करोड़ लोगों के जो नेता है, हम लोगों का अभिमान है, सम्मान है, वो पूरे देश के सामने झुक कर के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, राजधानी पटना की सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। जहां पटना शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के मकसद से प्रशासन एक्टिव हो गए हैं, राजधानी पटना में अतिक्रमण करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर कोई भी पहली बार अतिक्रमण करता है तो फिर उससे जुर्माना वसूला जाएगा, इसके बावजूद भी अतिक्रमण करता है तो फिर उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा और जेल भी जानी पड़ सकती है। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो आप संभल जाइए। जब प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने संबंधित अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया जाए और नियमानुसार अर्धदंड लगाया जाए, जैसे साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जाए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 70% सफलता हासिल करने वाली भाजपा अभी से अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सक्रिय हो गई है। जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों एवं लोकसभा संयोजकों को लेकर के विधानसभा विस्तारकों और फिर विधायकों के हाथ ही विधायकों के साथ ही विधान पार्षदों को भी अभी से ही तय लक्ष्य के साथ क्षेत्र में काम करने शुरू करने का दायित्व सौंपा गया है। विधायकों को जहां पर जनता के साथ कार्यकर्ताओं से भी संपर्क रहने की नसीहत दी जा रही है, पर स्थानीय स्तर पर जन सेवा सरोकार से जुड़ी हुई योजनाओं को चिन्हित करने एवं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के सुझाव भी दिए गए हैं। क्षेत्र की अधूरी योजनाओं को भी पूर्ण करने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जब वहीं पर 4 विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण विधानसभा के लिए उपचुनाव भी जल्द होने की संभावना है। ऐसे में भाजपा की कोशिश हर हाल में एनडीए की सीटों में वृद्धि करने की है। इसी का समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी आगामी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों,
बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने प्रधान अध्यापक और फिर प्रधान शिक्षकों के लिए होने वाले परीक्षा तिथि घोषित कर दी है, यानी कि दक्षता परीक्षा। प्रधान अध्यापक पद के लिए 28 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक चलेगा, पटना और फिर मुजफ्फरपुर में होगी। प्रधान शिक्षक पद के लिए परीक्षा 29 जून को आयोजित की जाएगी। प्रधान शिक्षक पद की परीक्षा प्रदेश के 13 जिलों में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर चेक किया जा सकेगा। खबर बिहार के दरभंगा से सामने आई है। दरभंगा की एक नगर पंचायत के पूर्व मुखिया के घर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में लगभग 90 लाख रुपए से ज्यादा अवैध संपत्ति का पता चला है। आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकती है। यह मामला दरभंगा जिला के अली नगर प्रखंड की हरिहथ पंचायत का है। यहाँ के पूर्व मुखिया राजा अली आलम अहमद के पैतृक आवास और दरभंगा के सहारा मोहन में उनके नवनिर्मित भवन पर विजिलेंस ब्यूरो पटना ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की गई है। विजिलेंस ब्यूरो पटना की टीम ने डीएसपी आदित्य राज के नेतृत्व में छापेमारी की। वहां से कई दस्तावेज, जमीन, फ्लैट के कागजातों को भी टीम ने बरामद किया है। निगरानी विभाग की 20 सदस्यों की टीम ने दो जगहों पर पूर्व मुखिया के पैतृक गांव हरिहथ पंचायत और फिर तारा मोहनपुर में छापेमारी की। निगरानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जाँच में अवैध 90 लाख से ज्यादा चल अचल संपत्ति का पता चला है और जाँच में अभी और अधिक अवैध संपत्ति का पता लगने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना का हाल बिहार में क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सब जानते हैं कि बिहार में नल जल योजना का क्या हाल है, जब नल जल योजना किस तरह से चलाई जाती है। ये योजना पटना सहित तमाम जिले में नाकामयाब साबित हो रही है। जहां आपको बता दूं कि हाल ही में राजधानी पटना के वार्ड नंबर 26 की जनता ने इस समस्या को लेकर के सड़क पर उतरे थे और स्थानीय विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी की बूंद तक नसीब नहीं हो रही है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों सभी जिलों के डीएम को पेयजल और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। लेकिन सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना भी धरातल पर फेल है।